अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी हम भी खैरियत से हैं। तो जी मैं आज आपको दे रही हूँ उड़द गोश्त की रेसिपी यूपी स्टाइल, जो कि यूपी में बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं। उड़द गोश्त ज़्यादा ही पसंद करे जाते हैं, यहाँ तक कि शादी में फंक्शन में भी उड़द गोश्त बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चलता है। तो जी यहाँ पर ले लिया था मैंने एक पाव उड़द, इसमें जाएगा हमारा एक पाव गोश्त। तो चलिए इसकी करते हैं मसाले की तैयारी। तो इसमें जाएगी जी हमारी एक अदद प्याज, थोड़ी सी प्याज हम रोक लेंगे, हमारे प्याज ज़्यादा लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि हमारे उड़द कम है, एक पाव है बस। और इसमें जाएगा हमारा लहसुन, लहसुन जाने के बाद जी इसमें जाएगा हमारा क्या कहते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च को मैंने धो के साफ़ सुथरा करके रख लिया था, क्योंकि थोड़ी गंदी सी होती है ना बाज़ार से जो आती हैं, तो इसलिए मैंने इनको साफ़ सुथरा करके रख लिया। तो जी देखिए यहाँ पर लाल मिर्च मैंने ली है साबुत। अगर आपको साबुत मिर्चों का अंदाज़ा नहीं है तो जो आप पीसी भी मिर्चें खाते हैं, जैसी भी आपके खाई जाती हैं, आप वो मिर्चें भी इसमें अपने स्वाद अनुसार शामिल कर सकते हैं। तो जी इसमें जाएगा हमारा ये सौंफ धनिया। बस जी सौंफ धनिया शामिल करने के बाद हम अपना ये मसाला पीस लेते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने मसाला पीस लिया, अब हम अपना ये मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाला शामिल मिक्सी जार से निकाल लिया था, क्योंकि फिर मुझे परेशानी होती है खास से केमन और एक खास से काम करने में, तो इस वजह से। तो जी इसमें अब हम डालेंगे अपना थोड़ा सा लहसुन, छील के रख लिया था चार पांच जगह। और अब इसके अंदर हमारा जाएगा ये थोड़ी सी लौंग इलायची, दालचीनी, तेज़पात के पत्ते। इसके अंदर जाएगी हमारी हल्दी, पन्नी में से निकालनी पड़ेगी मुझे। चलो इतने गोश्त के लिए निकालते हैं फिर। तो जी इसमें हमारी गई हल्दी, और अब इसके अंदर हमारा जाएगा नमक, इसमें मेरी कम से कम 2 चम्मच के करीब हल्दी गई। उड़द में जो है हल्दी ज़्यादा अच्छी लगती है, पीले पीले, काले उड़द अच्छे नहीं लग रहे होते। तो इसमें अब हमारा जाएगा ये तेल, इसमें गया हमारा ऑयल, सरसों का देसी तेल। जो लोग तेल नहीं खाते, जो पसंद नहीं करते, तो वो आप यहाँ पर ऑयल भी थोड़ा सा शामिल करके और ऊपर से भगार लगा सकते हैं। और ये हमारी प्याज आएगी गोश्त के लिए काम। तो जिसमें अब हमारा सारा सामान जा चुका है, तो बस इसके अंदर हम 10 से 12 सीटी लगाएंगे, और बीच में ऐसा लगेगा हमारा पानी ख़त्म होगी, तो हम बीच में इसको खोल कर देख लेंगे। देखिए उड़द हर जगह बनते हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर हर चीज़ नहीं बनती, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ की कुछ चीज़ ख़ास होती है। तो बस इस वजह से बस मैंने सोचा आज मैं आपको उड़द गोश्त की, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग होता है। तो बस इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और अच्छे उड़द बनेंगे। इतने हम अपने करते हैं गोश्त की तैयारी। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने अपना ऑयल गरम करने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया, तो इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा, बहुत थोड़ा ही ऑयल जाएगा, क्योंकि जो हमारे उड़द हैं, हमारे उड़द में भी ऑयल शामिल है। तो यहाँ पर मैंने बीच में अपने उड़द एक बार खोल कर देख लिए थे, उसमें मुझे पानी लगा कम और उड़द मेरे थोड़े गले नहीं थे, थोड़ी उन्हें और गलने की ज़रूरत थी। तो मैंने उसके अंदर एक गिलास गर्म पानी शामिल करके दोबारा सीटी लगाने के लिए रख दी है, क्योंकि कभी भी आप हंडिया देखें बीच में तो उसमें ठंडा पानी ना ऐड करें। वैसे भी ये ठंड का मौसम है और गर्मी भी हो, तो तब भी ऐसा ना करें, क्योंकि हंडिया जो है फिर ज़्यादा वक्त लेती है पकने में। तो जी देखें यहाँ पर मेरा ऑयल हो गया गर्म, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 दालचीनी के टुकड़े, और इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने प्याज बचाई थी वो वाली, क्योंकि बहुत थोड़ी प्याज जाएगी, क्योंकि हमारी प्याज उड़द में भी काफ़ी है। तो जी देखिए यहाँ पर हम अपना प्याज ब्राउन करेंगे, मतलब हमें बिल्कुल प्याज ब्राउन नहीं करनी, थोड़ी ही हल्का ही हमें कलर देना है, ताकि हमारी प्याज का कलर बदल जाए। और प्याज कलर बदल जाने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना गोश्त। तो जी देखिए प्याज हमारी होने लगी है थोड़ी सी, मतलब ऐसा हो जाए जैसे रंग बदल जाता है ना, इस तरह से करना है हमें। तो बस इसके अंदर अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे अपना गोश्त, और गोश्त शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह से हम 2-3 मिनट के लिए करेंगे सोटे। और अगर आपको उड़द की रेसिपी चाहिए 1 किलो की या 2 किलो की या 5 किलो की, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे भी आप रेसिपी चाहेंगे 2 किलो या 5 किलो का, मैं उसको आपको ज़रूर रेसिपी दूँगी।
तो जी यहाँ पर देखिए गोश्त को 2-3 मिनट सोटे करने के बाद हमने यहाँ पर शामिल कर दिया अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी हमें 2-3 मिनट के लिए ही यहाँ पर हमें सोटे करना होगा, अपना गोश्त चलाना होगा और उसके बाद हम अपना शामिल करेंगे यहाँ पर हम अपने पिसे मसाले। तो जी देखिए यहाँ पर अदरक लहसुन के बाद मैंने यहाँ पर इसको 2-3 मिनट तक सोटे करा था और सोटे शामिल करने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो गया, देखिए गोश्त का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो जी मैंने यहाँ पर शामिल करा है 2 चम्मच अदरक धनिया पाउडर, सॉरी थोड़ी ज़मान वैसी हो रही है, 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने उड़द में भी काफ़ी हल्दी शामिल करी है तो इस वजह से अब हम यहाँ पर गोश्त में ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्दी की फिर रेंद आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जी देखिए मिर्चें भी यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच ही ऐड करी है, क्योंकि हमारी उड़द में भी काफ़ी मिर्चें हैं और नमक भी हमारा यहाँ पर थोड़ा ही जाएगा, ताकि हमारी बोटी के अंदर बस नमक आ जाए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा नमक मसाला यहाँ पर हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मसाले कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ों में हमारे मसाले ऐड हैं। तो जी देखिए इसको यहाँ पर हम 2-3 मिनट तक अपना गोश्त को भूनेंगे और बस गोश्त भूनने के बाद इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड करके अपना 20 से 25 मिनट तक कवर करके हम अपना गोश्त गलाएंगे। अगर आप यहाँ पर गोश्त कुकर में गलाना चाहें तो आप कुकर में भी इसको गला सकते हैं। कुकर में डालने के बाद आपको 5 से 6 सीटियाँ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा बहुत 1 पाव गोश्त है तो यहाँ पर मैं कुकर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि कुकर जो मेरा दूसरा है वो काफ़ी बड़ा है, तो बस इस वजह से मैंने सोचा मैं भगोने में ही अपना गोश्त गला लूँ। तो आप कुकर में गलाएं तो 5 से 6 सीटी ले लीजिएगा, अगर आप भगोने में भी हांडी में गोश्त गला रहे हैं तो आप भी 20 से 25 मिनट तक पानी डालकर 20 से 25 मिनट गैस पर तेज़ आंच पर आप अपना गोश्त तेज़ करके फिर मीडियम आंच पर आप गला सकते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसको कवर करके गोश्त गलाऊँगा। तो जी देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अपनी उड़द, मैंने देखिए 3 से 4 सीटी और लगा के अपना उड़द चेक करें तो देखिए हमारे उड़द बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर गल चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे हम अब हमें अपने उड़द की घुटाई की ज़रूरत है, जो हम इस घोटे की मदद से अपनी उड़द की घुटाई कर लेंगे। अगर आपके पास घोटा नहीं है तो आप चम्मच से भी घोट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे उड़द जो ना बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। भाई ये है कि थोड़ी सी आपको चम्मच से मेहनत लगेगी, या आपके पास ग्राइंडर है उससे भी आप अपने उड़द को ग्राइंड कर सकते हैं। तो जी देखिए लेकिन मैं तो यहाँ पर अपने उड़द घोटे से घोटूंगी, तो चलिए बस मैं अपने उड़द जो है अच्छी तरह से घोटती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे उड़द बिल्कुल परफेक्ट घुट चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, और बिल्कुल नमक मिर्च भी मैंने टेस्ट करा है तो बिल्कुल नमक मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं हमारे उड़द के। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे उड़द हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो बस अब इसके अंदर हम अपना शामिल करेंगे गोश्त, और अपना देखिए मैं अपना गोश्त भी दिखाती हूँ आपको, मेरा गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है, तैयार हो गया हमारा गोश्त भी, देखिए गलना बस थोड़ी सी भुनाई की कसर है, हमारा गोश्त यहाँ पर बिल्कुल गल गया। देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, बोटे भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी गल चुकी है, मैंने तोड़ के देख ली। ये देखिए अब हम अपने उड़द इसके अंदर शामिल करते हैं, ये देखिए ये मैंने इसमें शामिल कर लिया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़े, अभी हम इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर और पकाएंगे, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, जब हमारे उड़द ही हल्की आंच पर पकेंगे तो और मज़ेदार टेस्टी हो जाएंगे। देखिए इसमें हम शामिल करेंगे अपना अदरक हरी मिर्च हरा धनिया, कितना माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया, हमारे हल्की आंच पर पकेंगे, इसको बीच में चलाते रहिएगा क्योंकि ये उड़द जो है हमारे वरना लग जाएंगे, एक दो बार बीच में चला जरूर दीजिएगा। क्या हो बेटा क्या नहीं चल रही, ये देखो हमारी क्यूटी पाई भी यहाँ पर तैयार हो गया, हमारी बिल्ली क्या नहीं चल रही, लो में चलो नहीं चल रही, सलाम करो सही करके करो बेटा, नमाज पढ़ोगे, चलो तो बस मोबाइल रख दो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, क्यों पहले नमाज पढ़ लो, चलो क्या चला के तुम टिकटॉक, चलो ते हम पढ़ते हैं नमाज, इतना हमारे उड़द भी तैयार हो जाते हैं, फिर हम आपको आपको दिखाते हैं बिल्कुल तैयार करके। तो जी यहाँ पर हमारा हो गया है तड़का,
इसमें यहाँ पर आप हींग भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास हींग नहीं है खत्म हो गए तो इसलिए मैं यहाँ पर हींग शामिल नहीं करी, मैं यहाँ पर लगा इसको प्याज का तड़का। ये हो गए हमारे उड़द तैयार। हल्की आंच पे ये 10-15 मिनट से हमारे कड़ रहे थे, इसके अंदर हम लगा रहे और हमारे यहाँ पर चावल भी हो गए तैयार, चावल भी हमारे दम आ रहा। ये देखिए ये हमारे हो गए उड़द तैयार, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया देखिए। यूपी की उड़द की तो बात ही अलग है, उड़द आप कहीं के भी खा ले, लेकिन जो यूपी की उड़द में बात होती है कहीं की उड़द में बात नहीं होती। तो बस करते हैं हम अपने, इतना आते हैं हमारे चावल दम में आ रहे हैं, इतना हम अपना करते हैं दस्तरखान की तैयारी। देखिए हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह उड़द तैयार। देखिए चावल ये बार बार दस का नोट आ रही है, इसको गीला कर दिया तो ये मैंने गैस पर रख रखा है सुखाने के लिए। ये देखिए हो गए हमारे चावल भी तैयार। तो बस चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पे जाके टच करें, ताकि मेरी आने वाली जो मैं अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊंगी आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगली सी रेसिपी में फिर मिलेंगे हम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।